नरेंद्र कुमार जी, आज जो ये प्रोग्राम हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पब्लिक को आप मैसेज देना चाहते हैं? सर, मैसेज तो ये है कि जो कौमे हमें ऐसा समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को ये बड़ा मैसेज है कि हम वो कर सकते हैं जो वो लोग नहीं कर सकते। जो मनुवादी लोग ये सोच बनाए बैठे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लगता है हम इस देश के सम्राट रहे हैं, हम इस देश के राजा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। आप इस देश के राजा रहे हैं, सम्राट रहे हैं, और आज फिर गुलामी की करार पे जा रहे हैं? सर, उसका मूल कारण है कि इन्होंने हमको उपजातियों में बांटा हुआ है, जातियों में जाति, हमें एक दूसरे से अलग करने की इनकी बहुत बड़ी रणनीति रही है कि मतलब अपनी बिरादरी ऐसी एकता में अनेकता कर दी, मतलब जाटों को और तरह तरह की बहुत सारी जातियां इन्होंने पैदा कर दी, उनमें विवाद पैदा कर दिया जिससे कि हम एक नहीं हो पा रहे। लेकिन अब इनको देखना पड़ेगा, इन्हें दिखाएंगे हम यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं, अब हम एक होते जा रहे हैं। अब लोगों को जो आज की वर्तमान सरकार है उसको दहशत हम ही से है और किसी से दहशत नहीं है कि ये एक होते जा रहे हैं और हो सकता है 2019 में ये सत्ता पलटेगी और ये शासन पलटेगा। इनको ये हम दिखा के रहेंगे। नरेंद्र जी, अभी आपने बताया हम इस देश के सम्राट रहे हैं, हम सत्ता पलटने की बात करते हैं, मैं आप एक बहुत तीखा सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। जब हमारे घरों के अंदर बच्चा पैदा होते हैं या हमारे घर के अंदर ब्याह शादी होती है, उनका नाम हम अपनी तरफ से नहीं रख सकते हैं, ब्याह हम अपनी तरफ से नहीं छटवा सकते हैं, फिर भी उन्हीं मनुवादी लोगों के पास आप लोग जाते हैं? सर, अब ये व्यवस्था बदल रही है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, घर घर में अब किसी से पूछ लीजिए, अब बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि की बात करते हैं। ये मेरे बच्चे हैं दोनों, ये सुबह उठ करके ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब की बात करते हैं, क्योंकि हमारे इतिहास को जिन लोगों ने दबाया है, अब वो इतिहास उभर रहा है बहुत तेजी से, उसी से ये भयभीत है।